ओम वंदे गौ मात्रा। मित्रों, स्वास्थ्य रक्षा से प्रभाव सबका स्वागत करती है। मित्रों, आज हम बात करते हैं पेट कैसे फटाक से साफ हो उसके विषय में। मित्रों, कुछ लोग इस विषय पे बहुत सारी बातें बताते हैं कि आपका पेट फटाक से साफ हो जाएगा। आपने बाजार में ऐसे बहुत सारे चूर्णों का विज्ञापन देखा है कि पेट फटाक से साफ हो जाएगा, आपका यूं साफ हो जाएगा। लेकिन इन सारे चूर्ण जो हैं, जो सारे चूर्ण हैं, इनके पीछे की कुछ सच्चाइयां हैं जो पहले आपको बता दूं, क्योंकि यदि आपने इसकी आदत बना ली है तो ये आपके लिए घातक है। ये हम आपको स्पष्ट शब्दों में बता रहे हैं। हाँ, हम आपको ये भी बताएंगे कि आपका पेट फटाक से कैसे साफ हो सकता है, लेकिन उससे पहले हम आपको पूरी सावधानी बता दें कि ये चीजें इस्तेमाल करने से पहले आपको सावधानी क्या क्या रखनी है। क्योंकि कई बार होता क्या है, आप इस्तेमाल कर ले तो उसके बाद वो आपकी आदत में बन जाती है और फिर आपकी अपनी आंतें अपने आप काम करने में निष्क्रिय हो जाती है। मित्रों, एक बात हमेशा कोई भी आप चिकित्सक आपको बताएगा, कोई भी वैद्य आपको बताएगा कि जो मल है, जो मल निकलता है, अर्थात जो टट्टी होती है, वो एक साथ पूरी हो जाती है तो सही पेट साफ हुआ माना जाता है। जिसमें जो टट्टी होती है वो पूरी बंधा हुआ मल होता है और उसमें कहीं भी छितरा पितरा या टूटा फूटा नहीं होता, वो एक साथ में आता है। यदि ऐसा आपका पेट साफ हो तो इसको सही तरीके से पेट साफ हुआ ऐसा माना जाता है। लेकिन यदि ऐसा नहीं होता है तो आपका ठीक से सही तरीके से पेट साफ हुआ ऐसा नहीं माना जाता। और आप जो भी चूर्ण आदि का सेवन करते हैं पेट साफ करने के लिए, वो कभी भी आपकी टट्टी को बंधने नहीं देते, अर्थात आपके मल को बंधने नहीं देते, और उस कारण मल बंधा हुआ नहीं निकलता और वो छितरा पितरा निकलता है। तो ये सही तरीके से, और हाँ, जब ये छितरा पितरा मल जो निकलता है उसमें जो आते हैं वो अपने आप में निष्क्रिय होती चली जाती हैं, बंधा हुआ जो मल है उसी में आते आपके सही रहती हैं, और वही सही तरीका है पेट साफ होने का। वो हमारी प्लेलिस्ट है उधर रोग, उसमें हमने बहुत सारे वीडियोस दिए हैं, वहां आप उसके लिए वीडियो देख सकते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, पेट बहुत ज्यादा भारी हो जाता है और अभी साफ नहीं हो रहा, इसको तुरंत साफ करना है, तो आप क्या करें। मित्रों, यदि आपको एक रात पहले से ही पता है तो हम आपको कुछ साधन ऐसे बता रहे हैं जिससे आपका पेट तुरंत साफ हो जाएगा। हो सकता है 4-6-8 घंटे में साफ हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। लेकिन यदि आपको इन चूर्णों की आदत है तो आपको समय अधिक लग सकता है, और ये आपके जो चूर्ण है, जो चूर्ण आप सेवन करते हैं पेट साफ करने के लिए, वो बहुत ही घातक है आपकी आंतों के लिए। इसलिए ध्यान रखें, कोई भी तरीका जो अभी हम यहाँ बता रहे हैं, ये आपको 15 दिन में या महीने में एक बार अपनाना है। नियमित इसका अभ्यास कदापि नहीं करेंगे, ये मैं पहले बता रही हूँ, क्योंकि बाद में कई बार आप लोग वीडियो पूरा देखते नहीं हो, तो सावधानी के रूप में इसको मैं पहले बता रही हूँ। यदि आपने सावधानी नहीं रखी तो आपकी आंतें खराब हो सकती हैं, कोई नहीं बचा पाएगा, फिर आपका मल अपने आप नहीं निकलेगा, बस आप किसी चूर्ण और किसी उस चीज के भरोसे ही बने रहेंगे और ये आपके लिए बड़ी समस्याएं खड़ी कर देगा। तो यदि आप सामान्य पेट साफ करना चाहते तो हमारे उधर प्लेलिस्ट के वीडियोस देख लीजिए और इनके विवरण के वीडियोस देख लीजिए, वहां नियम पालन प्राणायाम विस्तार से लिया हुआ है, उनको कर लीजिए, आपका पेट अच्छे से साफ होने लगेगा। लेकिन कभी कभी जो टाइट हो जाता उसके लिए अब हम आपको प्रयोग बता रहे हैं। आपको करना क्या है, 3-4 प्रयोग मैं आपको बता रही हूँ। पहला प्रयोग है नींबू और अरंडी का तेल। इसको क्या करना है, 2 चम्मच नींबू का रस लीजिए और 2 चम्मच अरंडी का तेल लीजिए। अरंडी तेल यानी कि जो अंडी आती है, कई जगह अंडी बोलते हैं, अंडी का तेल, या कई जगह दिवेल बोलते हैं, कैस्टर ऑयल जिसको बोलते हैं, कैस्टर ऑयल इंग्लिश में कहा जाता है, वो आप ले लीजिए और 2 चम्मच लेना है, ये काफी गाढ़ा होता है, इसको मिला लीजिए और इसको आप ले लीजिए। 6-8 घंटे में पेट अच्छे से साफ हो जाता है, लेकिन ध्यान रहे महीने में एक बार, उससे अधिक नहीं लेना है। उसके बाद दूसरा जो हम आपको प्रयोग बताने जा रहे हैं, ये आप है, ये जो दूध ले लीजिए, दूध में आप करीब 50 ग्राम अरंडी का तेल मिला दीजिए और इसको गर्म दूध लेना है, और ये आपको एकदम सोने से पहले, आपको नींद में आ जाए उसके बाद आपको ये पीना है, इससे आपका सुबह पेट साफ हो जाएगा। ये भी काफी अच्छा प्रयोग है। उसके अलावा त्रिफला चूर्ण का भी एक प्रयोग है, गर्म पानी में त्रिफला चूर्ण डाल लें, उसको घोल लें और ये रात को आप पी लें, इससे भी आपका सुबह पेट साफ हो जाएगा। लेकिन यदि आपने त्रिफला की आदत डाल रखी है तो आपको समस्या हो सकती है और कई बार इससे फिर साफ नहीं होता, यदि आपने त्रिफला के कोई चूर्ण आदि से पेट साफ करने की आदत डाल रखी है। और ये चूर्ण आपको कितना लेना है, आप आधी चम्मच से 1 चम्मच ले सकते हैं, क्योंकि आपकी देह कैसी है इस पर निर्भर करता है कि आपको कितना चूर्ण लेना है, आपकी देह को कितना चूर्ण चलता है, ये हम ऐसे नहीं बता सकते, तो आप एक आध बार लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। उसके बाद एक प्रयोग और है, ये प्रयोग आप सुबह पेट साफ नहीं हुआ तो सुबह ही सुबह कर सकते हैं। आप सुबह एक बार देख लीजिए आपका पेट साफ नहीं हो रहा है तो आप एक काम करें, पानी आदि पी लिया, आपका पेट साफ नहीं हो रहा है तो अब आपको क्या करना है, 1-2 लीटर जितना पानी गर्म करें, ये पानी थोड़ा चाय जितना गर्म नहीं करना है, चाय से आप
फटाफट आप आराम पानी आराम से पी सकें, उतना पानी आपको गर्म करना है। गुनगुने से ये ज्यादा गर्म होगा पर लेकिन चाय से ठंडा होगा, इतना पानी आपको गर्म करना है, आप आराम से उसको फटाफट पी सकें। और उसमें आप मिलाएंगे करीब एक चम्मच नमक। नमक आप सेंधा लें तो अच्छा है, वरना आप सादा नमक जो भी ले सकते ले लें, कोई समस्या नहीं है। पर यह प्रयोग यदि आपको ब्लड प्रेशर है तो कदापि ना करें, ब्लड प्रेशर वालों को ये प्रयोग हानि कर सकता। और यदि आपको चर्म रोग है तो भी ये प्रयोग आपके लिए करने जैसा नहीं है, क्योंकि चर्म रोग से कई बार इससे नमक अधिक होने से समस्याएं बढ़ जाती हैं, तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखें। लेकिन हाँ, यदि आप महीने में दो महीने में एक आध बार इस प्रयोग को करते हैं तो समस्याएं अधिक नहीं होती हैं, तो आप कर सकते हैं। पर ब्लड प्रेशर वाले कदापि ये प्रयोग ना करें। ब्लड प्रेशर वाले नींबू ले लें, और नींबू आप जो लेंगे नींबू आप इसके में नींबू इसकी जगह क्या कहते हैं नमक की जगह आप नींबू ले सकते हैं, पर नमक का प्रयोग हमने ज्यादा अच्छा पाया है तो इसलिए हम नमक को आप विशेष बता रहे हैं। तो नमक आप ले लीजिए, आधा आधा एक चम्मच इसमें नमक मिला लीजिए, पानी अच्छा खासा नमकीन हो जाएगा, और इस पानी को आपको फटाफट पीना है, और उसके बाद आप का धीरे धीरे पेट साफ होने लग जाएगा। और हो सकता है आपको दो से चार बार जाना पड़े, ये जो हमने प्रयोग बताए हैं ये आपको तीन से चार बार मल साफ करने के लिए आपको पाखाना ले जाएंगे, आपको टट्टी तक ले जाएंगे और आपको जाना पड़ेगा। और ये जब तक पूरा ना निकल जाए तब तक आप माने ना कि ये पूरा साफ हो चुका है। और इसको हम कई ये जो चौथा प्रयोग हमने आपको बताया है ये नींबू और उसका नमक और पानी का, ये अर्धसंप्रक्षालन की प्रक्रिया में भी आता है, तो आप इसको अपना सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे इनको आदत कदापि ना बनाएं। हमने आपको सावधानी पहले ही बताई है, आप इनको आदत बनाते हैं तो ये आपके लिए घातक हो सकते हैं, इसलिए इनको आदत ना बनाएं। कभी कभी के प्रयोग के लिए ये प्रयोग सारे अच्छे हैं, लेकिन नियमित कदापि नहीं। नियमित प्रयोग यदि आपको करना है, नियमित आपका पेट साफ करना है, तो मैं आपको पुनः बता रही हूँ उदरों के वीडियोस देखिए, नियम पालन प्राणायाम, और नियम पालन प्राणायाम के वीडियो हर प्लेलिस्ट में, हर वीडियो के विवरण में आपको मिल जाएंगे। और आपको कैसा भी कोई भी रोग विशेष है तो हमारी बहुत सारी प्लेलिस्ट और भी हैं, उनमें अपने रोग अनुसार वीडियो आप देख सकते हैं, उनको चुन सकते हैं, और वीडियो विवरण के वीडियोस के साथ, नियम पालन के साथ, और जो पॉइंट्स आदि हैं उनके साथ आप अपनी हर रोग को ठीक कर सकते हैं। ओके, प्रश्न है तो टिप्पणी वीडियो पर करें, आपको उत्तर 24 से 30 घंटे में मिल जाएगा। धन्यवाद। वंदे मातरम।